फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो यार, एक फ्रेंड है, उनको मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले स्कॉर्पियो क्लासिक बुक कराई थी, तो 2 या 3 दिन या हो सकता है 5 दिन के अंदर वो गाड़ी आ जाए। उनके पास है i20 और आज i20 की लास्ट राइड है, मैं अपनी गाड़ी में हूँ, i20 आगे जा रही है मेरी। तो अभी थोड़ा बहुत उनसे बात भी करेंगे कि मतलब कैसे रहा i20 का एक्सपीरियंस उनका 3-4 साल का, और क्या कमियाँ निकली i20 में, क्या नहीं निकली, और उनको मेन चीज़ ये किस चीज़ से दिक्कत थी, गाड़ी ने इन्जॉय तो मतलब दिया या नहीं दिया, इन्जॉय किया उन्होंने गाड़ी के साथ या नहीं किया। तो मेरे सामने है i20, मैं पीछे से उसका लुक दिखा देता हूँ, बाकी भाई से बात भी करते हैं। तो फाइनली ये है अपनी i20 मैगना प्लस 2019 मॉडल, और 16,000 किलोमीटर उन्होंने ये लास्ट 3 साल के अंदर ये गाड़ी चलाई है। ज़्यादा रनिंग नहीं हुई है गाड़ी की, बट नीड्स थी थोड़ी ऊँची गाड़ी लेने की, और ऊँची गाड़ी के साथ साथ मतलब इनको ये था कि हाइट इनकी अच्छी है, 6 फिट कुछ इंची की है, तो 6 फिट मेरे हिसाब से 1-2 इंच की इनकी हाइट है भाई की, तो उस हिसाब से इनको अपग्रेड भी करनी थी गाड़ी, तो और ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना था, मतलब 15-16 लाख रुपए के आसपास खर्च करना था। तो स्कॉर्पियो क्लासिक बेस मॉडल इनको उस रेंज में मिल गई है, बाकी तो अपडेट कर देंगे। तो थोड़ा देर में चलते हैं भाई के पास भी चलते हैं अभी, क्योंकि महिंद्रा शोरूम ही जा रहे हैं हम लोग गाड़ी देने। अच्छे खासे प्राइस लग गए थे इस गाड़ी के, तो शोरूम में ही दे दी हमने। बाहर भी ट्राई किया, बट बाहर से जो रेट लगने थे वो लगे, लेकिन महिंद्रा शोरूम में मतलब महिंद्रा वालों ने इनके अच्छे रेट लगा दिए i20 के, तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो बेटर है जहाँ पे भाई 2 रुपये ज़्यादा मिले सेकेंड हैंड गाड़ी का, बंदे ने वहीं देनी है, नॉर्मल सी बात ही है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं और फिर करते हैं भाई से बात, चलते हैं महिंद्रा शोरूम के पास। सो फाइनली यार, हम लोग पहुंचने वाले हैं नेहरू कॉलोनी चौक, उसके बाद आएगा रिस्पना पुल वाला चौक, और उसके बाद हम लोग ले लेंगे अपना हरिद्वार बाईपास रोड ISBT के लिए, और थोड़ा सा आगे जाके ही आ जाता है महिंद्रा का शोरूम। तो बस चल ही रहे हैं, 5-7 मिनट में पहुंच भी जाएंगे। तो ये आ गया अपना नेहरू कॉलोनी चौक, हल्का फुल्का अगर जाम मिलेगा तो देखते हैं, अदरवाइज थोड़ा बहुत ही है, कोई इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। तो सामने यार ये लास्ट राइड है इस i20 की, और इलाइट i20 की। वैसे मैं भी i20 का ओनर रह चुका हूँ, और मैंने 1 से 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल में मैंने 28,000 मतलब 28,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद सेल कर दी थी, और जो सेल करी थी उसका रीज़न ये था कि यार मुझे उस हिसाब से एवरेज इस गाड़ी में निकल के नहीं मिलता था जिस अकॉर्डिंग मुझे चाहिए था। हर आदमी की नीड होती है एटलीस्ट गाड़ी 14-15 का एवरेज तो दे सिटी में, बट यार ये गाड़ी वो भी नहीं दे पाती थी। और दूसरी चीज़ जो थी, थोड़ा जैसे हम लोग पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं और पहाड़ में हम लोगों का आना जाना रहता है, जैसे मसूरी हो गया या और भी, जैसे मैं पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग कई बार वहाँ जाते थे, और अगर गाड़ी फुल लोड होके जाती थी तो यार फिर सेकंड के बाद थर्ड वाला गियर ना थोड़ा दिक्कत करने लग जाता था, सेकंड गियर में ही मैक्सिमम वो गाड़ी चलती थी, और पावर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिल पाती थी हमें पहाड़ में, तो थोड़ा इधर गाड़ी की साउंड भी हो जाती थी उसमें। तो 2-4 चीज़ें थी कि पिकअप उस हिसाब से गाड़ी लेती नहीं थी, हल्की दबती थी, और AC रहता था तो फिर तो गाड़ी का दबना बिल्कुल यार लाजमी है, बिल्कुल दबती थी वो गाड़ी। इस वजह से मेरे को वो सेल करनी पड़ी, और वो सेल करके मैंने ले ली थी ये टोयोटा की अर्बन क्रूज़र। तो अर्बन क्रूज़र ले ली थी मैंने, ये जिसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी, और अभी रिसेंटली मैंने मारुति की इग्निस भी परचेस की है, तो इग्निस तो शहर के लिए परचेस की है, और उससे बेटर i20 से बेटर ये गाड़ी मुझे एवरेज देती है भाई, सिटी में भी और हाईवे में भी, दोनों पर्पस में ये गाड़ी एवरेज मुझे अच्छी देती है। उस टाइम पर जिस टाइम मैंने i20 ली थी, उस टाइम पर तो डीजल वेरियंट आता था ब्रेज़ा का, और वो एक ब्लेंडर मिस्टेक भी रही मेरी, या हो सकता है कि कह सकते हैं कि उस टाइम पर मैं भी अपडेट नहीं रहा, तो थोड़ा उस टाइम अगर ब्रेज़ा ले लेता डीजल में तो बस फिर बात ही क्या थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, समय के साथ अपडेट होना भी ज़रूरी है, और गाड़ियाँ भी चेंज समय के साथ होती रहती है। वैसे हो सकता है थोड़ा टाइम बाद मेरी अर्बन क्रूज़र भी चली जाए, बिकॉज मेरी भी स्कॉर्पियो एन वैसे आ गई थी, मैंने थोड़ा डिले कर दी, तो जैन या फैब में मेरे को उसकी डिलीवरी मिलेगी, तो बस यही है क्या बोले। बाकी असली रीज़न तो अभी भाई बताएंगे जिनकी ये गाड़ी है, कि वो इस गाड़ी को 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्यों देके स्कॉर्पियो ले रहे हैं। तो खैर नीड्स होती है आदमी की, लेकिन फिर भी
उनसे पूछेंगे कि I20 के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो नीड्स हैं वो ये गाड़ी फुलफिल उनकी कर पाई या नहीं कर पाई। अभी वो नई ले रहे हैं, उनको अपडेट करना पड़ेगा, फंक्शंस थोड़ा कम है स्कॉर्पियो क्लासिक में एज़ पर अगर देखा जाए I20 के हिसाब से। तो चलो मैगना है ये, तो इनको पावर स्टीयरिंग मिल जाता था, वैसे उसमें भी मिलता है लेकिन इसमें स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल मिल जाते हैं और स्कॉर्पियो क्लासिक में नहीं मिलते हैं वो बेस मॉडल में, है ना। इस गाड़ी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें I20 में मिलती थी, थोड़ी बहुत अपडेशंस की, और स्कॉर्पियो में नहीं मिल रही है क्लासिक में। तो बाहर से तो खैर हम लोग करवाएंगे उसको, अपडेट करवाएंगे और अपडेट की वीडियोज़ भी हम लोग डालेंगे उसकी, है ना, कि मॉडिफिकेशंस क्या क्या करवाई है हमने उस गाड़ी पे। तो वो हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से करवाएंगे, और यहाँ से कुछ चीज़ें देहरादून से भी करवाएंगे हम, जैसे अलॉय व्हील डलवाएंगे, टायर चेंज करवाएंगे, तो वो देहरादून से करवाएंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं उस गाड़ी को अपडेट हम जो करेंगे वो हम दिल्ली जाके करेंगे। तो उसकी वीडियो भी मैं शेयर करूँगा थोड़ा टाइम बाद, जब हम गाड़ी ले लेंगे वो, उसके बाद जब दिल्ली लेके जाएंगे तो वो वीडियो भी शेयर करूँगा। फिलहाल रिस्पना पुल पर हम पहुँच चुके हैं और जाम देख लो यार, मतलब जाम तो यहाँ पर रहता ही है, नॉर्मल सी बात है, तो रहना ही है ना, समय तो लगता ही है, क्या करें, ट्रैफिक हो चुका है देहरादून में काफ़ी। अब बस चलते हैं शोरूम के पास और फिर भाई से मिलके बात करते हैं, तो बस चलते ही हैं रास्ते में, लगे हुए हैं, अभी 3 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग, अगर ठीक ठाक चलते हैं तो 3 मिनट के आसपास हम पहुँच जाएंगे। चलो चलते हैं, देखते हैं एक्सपीरियंस, भाई से बात करते हैं और रीजंस भी लेते हैं, है ना, क्या क्या है, कैसे है। मिलते हैं आपको शोरूम के पास। धन्यवाद। फाइनली पहुंचने वाले हैं हम महिंद्रा शोरूम में और आज दे देते हैं उनको गाड़ी, 4-5 दिन बाद अपनी गाड़ी आ ही जाएगी। तो ये आ गया है महिंद्रा का शोरूम बगल में, तो ये है इनका कॉमर्शियल पार्ट, और इसके आगे वो देखो बिल्कुल जो न्यू लोगों के साथ दिख रहा है सामने, वो है महिंद्रा का, मतलब क्या बोलते हैं, ये कॉमर्शियल है एंड ये नॉन कॉमर्शियल है। तो पहुंच गए हम, ये है अपना महिंद्रा का शोरूम, ठीक है, गाड़ी करेंगे अभी खड़ी। तो ये भाई ने यहाँ पे लगा दी है गाड़ी अपनी, अभी ओनरशिप इनसे एक्सपीरियंस की बात थोड़ा बहुत ले लेते हैं हम। कोई बात नहीं, इनकी गाड़ी यहाँ पार्क हो गई है, मैं यहाँ साइड में पार्क कर देता हूँ, तो करते हैं बात भाई से, चलते हैं भाई के पास। ये अपनी गाड़ी हो गई है ऑफ, ये है I20। ये है भाई की I20, इलाइट I20 2019 मॉडल, 16,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई गाड़ी, और बस काफ़ी है, स्टैंड खड़ी कर दी है भाई ने, है ना। तो पूछते हैं भाई से, चलते हैं गाड़ी के अंदर, इंटीरियर भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो होल्ड कीजिए, एक मिनट, चाबी हरा गई है, ये वाली हटवा देंगे, कोई बात नहीं, कहाँ लगाए, उसको भी लगा दे। भाई की है I20 इलाइट, जिन्होंने इन्होंने आज ले लिया उसकी लास्ट राइड, और आपको दिखाते हैं गाड़ी का इंटीरियर, है ना, बैठते हैं गाड़ी के अंदर, बैठो आप, बैठो ड्राइवर साइड, वो ड्राइवर साइड बैठते हैं। तो वॉक अराउंड दिखा देता हूँ गाड़ी, मतलब 3 साल में क्या है, ये है इसका फ्रंट, नहीं फ्रंट हाउसिंग है गाड़ी, और बिल्कुल क्लीन ही गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी में कुछ दिक्कत है, हल्का फुल्का तो देखो लगती है लेकिन फिर भी क्लीन है, काफ़ी काफ़ी क्लीन गाड़ी है। ये है इसका बैक, ये पार्ट है इसका साइड का, तो बाकी कहीं नहीं है, ठीक है गाड़ी, बैठो आप अंदर बैठो, लग गया, कोई बात नहीं, बच गया मेरा पैर, बच गया, नहीं नहीं बच गया। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, ये कुछ है गाड़ी का इंटीरियर। सो भाई से बात करते हैं, हाँ तो कैसी रही आपकी लास्ट राइड I20 की? बेस्ट, सबसे बेस्ट गाड़ी थी ये मेरे लिए जो मैंने इतनी चलाई, मतलब 3 साल मेरे पास ये गाड़ी रह चुकी,
तीन साल रही है ये गाड़ी। नहीं तो कोई भी गाड़ी मेरे पास एक से डेढ़ साल से ऊपर रही नहीं, मतलब कोई है। तो मैं उससे पहले आई टेन थी, आई टेन तो भाई दहेज का माल दहेज का माल तो कुछ दिन रखना पड़ता है, तो वो तो रही 5-4 साल दहेज का माल था इसलिए जल्दी निकाल दिया। तो फिर उसके बाद आई मैंने डिजायर ली, वो डेढ़ साल में निकाल दी। फिर आई टेन ली, वो तो 6 महीने में निकाल देते। ये गाड़ी ली फिर उसके बाद, ये मैंने रखी अभी 3 साल। 3 साल रखी और देख लेते हैं 3 साल में कितने किलोमीटर चली है ये गाड़ी। ये 3 साल में देखो 15,907 किलोमीटर भाई ने चलाई है गाड़ी। और ये कुछ इसका इंटीरियर है i20 लाइट का। स्टेयरिंग पे कंट्रोल आ जाते हैं, पावर स्टेयरिंग आता है, बहुत लाइट स्टेयरिंग है। सो ये कुछ इसका आ जाता है स्टेयरिंग, स्टेयरिंग कंट्रोल आ जाते हैं, सॉरी पावर स्टेयरिंग आता है। ये हॉर्न का पार्ट है, ये इसका स्टीरियो का सिस्टम आ जाता है सारा। एसी बहुत अच्छा है गाड़ी का, ठीक है। लॉक अनलॉक और 2 एयरबैग आते थे उस टाइम पे इस गाड़ी में। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ एक गाड़ी आती थी और ठीक था। तो बाकी सब तो ठीक है भाई, लेकिन एवरेज का क्या था गाड़ी का, एवरेज में कैसी रही गाड़ी और चलाने में? तो खैर i20 खैर है ही, जवाब भी नहीं है तो इसका। ये आपने चलाई हुई है, ये तो आपने देखी हुई है वो गाड़ी के बारे में। ये तो जितना मतलब मैंने तो चलाई है ये चीज, ये भी जानते हैं भाई ये कितनी चलाई गाड़ी इसने या नहीं चलाई। एवरेज तो इसका मेरे से पहले तो पंकज के पास रह चुकी है गाड़ी, एवरेज का तो पंकज ही बता सकता है इसके बारे में। ऐसा कुछ नहीं है यार, चलाने के ऊपर बात होती है एवरेज की। किसी को 10 भी दे देती है, किसी को 12 भी दे देती है, और हो सके तो 14 भी कर जाती। नहीं तो मेनली क्या है, 3 साल में भी गाड़ी बहुत कम चली है आपकी, और आप इसको मतलब 3 साल के बाद आपने 16,000 किलोमीटर में, चलो मेरी तो ये थी कि मैंने 1 साल के अंदर अपनी गाड़ी 27,000-28,000 किलोमीटर चला दी थी, बट आपकी 3 साल में 16,000 किलोमीटर चली है। और उसके बावजूद आप इस गाड़ी को सेल करने के बाद, क्योंकि नीट एंड क्लीन है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है 15-16,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर, बिल्कुल नई रहती है, नई रहती है। तो बट फिर भी क्या अपग्रेड करने की सोची और स्कॉर्पियो पे ही क्यों गए और क्लासिक के बेस मॉडल पे ही क्यों गए? वो कुछ रीज़न था कि i20 से कहीं ना कहीं आपको मतलब हताशा हुई इस गाड़ी को लेके, कहीं कहीं ना कोई कोई ना कोई दिक्कत हुई, या नहीं बस ऐसी था कि अपग्रेड करनी है गाड़ी? नहीं ऐसा नहीं है यार, हुंडई की मेरे पास 3 गाड़ी रह चुकी। i10 शुरू में मेघना थी, फिर स्पोर्ट ली मैंने, और एक ही i20 हो गई। मैंने हुंडई की काफ़ी अच्छी गाड़ी थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुंडई की गाड़ी में, अच्छी है। देखो एवरेज तो थोड़ा बहुत सेटिस्फाई करना पड़ता है हर किसी को ना, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एवरेज कम है बढ़ती है, थोड़ा बहुत तो झेल लेता है। आप मन की बात बोल रहे हो, होंडा की तारीफ कर रहे हो? भाई जिसने होंडा यूज करी यार, वो सब दिल से पूछ के देखो उसके मन पे क्या बीतती है। और टोयोटा के बारे में क्या ख्याल है, टोयोटा फोर्ड के बारे में? फिर टोयोटा फोर्ड वो तो एक लेवल ही अलग है, लेवल ही हो गया। अब तो क्या कंपनी बंद होगी यहाँ पे फोर्ड की, तो टोयोटा वो तो एक लेवल ही अलग चला जाता है। कभी समय आएगा उसके लिए भी सोचे, जब समय आएगा उसके लिए भी सोचा जाएगा। पर आज जो है यार स्कॉर्पियो किसी की, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। अब पंकज भाई ने करा रखी है स्कॉर्पियो एन, अब मैं इसके साथ में आ गया बैंकर शोरूम में आकर के देखा साला पसंद है। 15 लाख का चुना इनको मैंने लगवा दिया, मतलब अब ये समझो कि इनका विचार नहीं था गाड़ी बेचने का, लेकिन उन्होंने देखा कि यार साथ वाले बंदे ने स्कॉर्पियो ले ली तो मैं भी क्यों ना स्कॉर्पियो ले लूं। तो चलो गाड़ी बेच भी दी और बुक भी करा दी। चलो जो भी है ना, तो चलते हैं अब शोरूम में यार, क्योंकि गाड़ी तो देनी है, रेट भी अच्छे खासे लग गए और सेटिस्फाइड होंगे कहीं ना कहीं महिंद्रा ने जो रेट लगाया आपको इस गाड़ी का। क्योंकि बथेरे ओएलएक्स में भी ये रेट नहीं मिला है ना। सबसे बड़ी चीज है बाहर गाड़ी देने से अच्छा है कंपनी में गाड़ी, मेन चीज सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। और दूसरी चीज कहीं कोई बाद में कोई परेशानी भी होती है, सारा कुछ कंपनी झेलती है, अपने ऊपर से सारी टेंशन मुक्त हो जाता है इंसान, ये चीजें होती हैं। चलो तो चलते हैं, मिलते हैं कंपनी के अंदर और बाकी भाई की जब नहीं आएगी। लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है ना, ये अपना ही चैनल है, अपना ही चैनल है। तो चलो कोई नहीं, बाकी जब नई स्कॉर्पियो आएगी तो उसकी भी वीडियो हम बनाएंगे, है ना। तो एक बार इस गाड़ी को दिखा देता हूँ मैं कैसी नीट एंड क्लीन है, और फिर चलते हैं शोरूम में क्योंकि गाड़ी आज उनको हैंड ओवर करनी है। तो ये है फ्रंट, तो फ्रंट से बिल्कुल क्लीन ही है गाड़ी, ज़्यादा पुरानी कुछ है नहीं है। तो अपना अपना देखो एक्सपीरियंस और सब कुछ होता है,
तो यार वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स अ लॉट।